नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जिनका जो हाल ही में पेपर होने वाला है उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक विषय पर। तो पहला है हमारा हिमालयी नदियों का मुख्य विशेषता होती है, तो इनमें जो है जल का प्रवाह बारहमासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें निर्धारित की जाती हैं, तो बाजार बलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निजी साझेदार का एक उदाहरण है, तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अगला, निम्नलिखित में से किस स्रोत के आधार पर अशोक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने श्रीनगर की स्थापना की है, तो कल्हड़ की राजतरंगिणी के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेनानिवृत्ति की आयु कौन सी है, तो वो हो जाएगा 65 वर्ष। अगला, तिलचट्टे में पाया जाता है, तो चलने के 3 जोड़ी पैर। अगला, टिप्पानी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा गुजरात। अगला है कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे, तो तंजावुर के चोल। अगला, भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है, चार्ल्स वेबर ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई, बेसलेसिक इंजन। अगला है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक से किसे उल्लेखित किया गया था, तो क्रिप्स प्रस्ताव को उल्लेखित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल अम्ल है, तो वो हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, मतलब HNO3। अगला, प्रकाश संश्लेषण पर किए गए कार्य के लिए निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो मेल्विन केल्विन। अगला, वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो फखरुद्दीन अली अहमद। अगला, महाराष्ट्र के महान भक्ति संत नामदेव किसके शिष्य थे, विसोबा खेकड़ के। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि राणा सांगा ने किस घटना की स्मृति में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, तो मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध अपनी विजय के लिए। अगला, किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास गुप्ता का 12 अप्रैल 2017 को निधन हो गया, तो भारतीय बैडमिंटन संघ। दिनकर में कौन सा समास है, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सी नहर अंतरराज्यीय नहर है, आगरा नहर। बाल विवाह अवरोध अधिनियम भारत में सर्वप्रथम कब प्रचलन में आया, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 ए स्पेस ओडिसी नामक साइंस फिक्शन फिल्म के लेखक कौन थे, आर्थर सी क्लार्क। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं, एंग्लो इंडियन। मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक इसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। अगला, इतिहासकारों ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसको परस्पर विरोधी बातों का मिश्रण कहा है,
मोहम्मद तुगलक को। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन बाबर का समकालीन नहीं था? जलाल खान नूहानी। अगला, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो वो है ब्राह्मी, खरोष्टी और आर्माइक लिपि, ये सभी में है। सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है? चिश्ती संप्रदाय। ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? गोविंद रानाडे ने। बॉम्बे हाई क्या उल्लेखित करता है? मुंबई समुद्र तट के साथ तेल उत्पादन के उच्च स्तर को। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो यह है कर्क रेखा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। 1690 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉन चार्नक को। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को पूरी तरह नष्ट करने की अपेक्षा उनके साथ पुरंदर की संधि क्यों की? राजा जय सिंह शिवाजी की सहायता से बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान की सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। जो इतिहास से संबंधित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐतिहासिक। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो वो हो जाएगा घोष। समर्थित, टिकाऊ, समगतिशील। आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास। अरण्य चंद्रिका का अर्थ क्या होता है? निष्प्रयोजन पदार्थ। अगला है शब्द डेमोक्रेसी निम्नलिखित में से किस भाषा से व्युत्पन्न है? तो यह है ग्रीक भाषा से। 1858 ईस्वी के पश्चात जब भारत ब्रिटिश शाही ताज के अधीन आ गया तो भारत से धन का बहिर्गमन बढ़ा और भारत पर ब्रिटिश ऋणों का बोझ भी बढ़ गया, क्योंकि इसमें आ जाएंगे सारे ऑप्शन। भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था के संचालन पर होने वाले व्यय बहुत बढ़ गए। भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश के बदले ब्रिटेन को अधिक धन भेजना। गृह प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि। ये सभी ऑप्शन सही। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां। अमेरिका ने ISIS आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 अप्रैल 2017 को किस देश में गैर परमाणु बम GBU-43 अपान बी गिराया? तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री की आत्मकथा हिट गर्ल का विमोचन अभिनेता सलमान खान ने किया? तो वो हो जाएगा आशा पारेख। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने हेतु मंजूरी प्रदान की? तो वो हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 655.46 करोड़ की लागत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की? विशाखापट्टनम। हाल ही में लोकसभा ने मोटर वाहन विधेयक 2016 पारित किया, इस विधेयक से संबद्ध कौन सा तथ्य असत्य है? तो वो हो जाएगा इस अधिनियम के तहत हिट और रन पीड़ितों के लिए मुआवजा एक सॉलिटियम फंड से आता है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रोबोट प्लेटफॉर्म सीवेट रेसिडेंट इवेंट प्रोफाइलर विकसित किया? तो DRDO। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? अल्ट्रासाउंड प्रतिबिंबी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल 2017 को कौन सा जन्मदिन मनाया गया? तो 128वां।
और 2018 में 129वां। भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि का होना। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो वो हो जाएगा उर्वशी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2017 को नागपुर महाराष्ट्र में भीम आधार पे ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से अब प्रत्येक व्यक्ति अंगूठा लगाकर डिजिटल भुगतान कर सकेगा। इस ऐप के जरिए ऐसे लोगों को ऑनलाइन भुगतान करने में आसानी होगी जो अनपढ़ हैं या मोबाइल फ़ोन या ऑनलाइन वॉलेट का प्रयोग नहीं करते हैं। इस ऐप को आधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी है, तीसरा भी, चौथा भी। लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होता है? तो 14 दिन में। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपना पहला औद्योगिक रोबोट बार्बू लॉन्च किया? तो TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। अगला है, भारत में किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ जई कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने वाली कौन सी व्यक्तित्व बनी? तो वो हो जाएगा छठी। अत्यधिक सभा शराब के सेवन का परिणाम क्या होता है? लीवर सिरोसिस। अगला है, वैश्विक सार्वजनिक कंपनी बर्सन मैराश्टेलर ने अप्रैल 2017 में वर्ष 2016 के अध्ययन के बाद सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं की सूची जारी की। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया वेबसाइट इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले नेताओं में से कौन से स्थान पर हैं? पहले स्थान पर। पंकज आडवाणी ने 15 अप्रैल 2017 को किस भारतीय खिलाड़ी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017 का खिताब जीता? सौरभ कोठारी। नादेसा के हाथों अपमान से बचने के लिए आत्महत्या करने वाला अवध का नवाब कौन था? सादल खां। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 का क्या परिणाम हुआ? संधि की शर्तें वस्तुतः हैदर अली ने निर्धारित कर दी। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन थी? सुष्मिता सेन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा में। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई कालिदास द्वारा। किस राज्य के पूर्व राजपाल रहे गिरीश चंद सक्सेना का 14 अप्रैल 2017 को एक संचित बीमारी के बाद निधन हो गया? जम्मू कश्मीर। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली के एक्सरे के लिए। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 16 अप्रैल 2017 को अंतिम मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत को हराकर सिंगापुर ओपन 2017 का पुरुष एकल खिताब जीता? बी साई प्रणीत। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? अर्थशास्त्र का कौटिल्य। हाल ही में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? लुका इटली में। किस राज्य ने 16 अप्रैल 2017 को पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक 2017 को पारित किया? तो वो हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में संपन्न हुई बहरीन ग्राफी 2017 फार्मूला 1 रेस का विजेता कौन रहा? तो सेबेस्टियन बेटल। हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? यह प्रशिक्षण कार्यक्रम किस स्थल पर लॉन्च किया गया? रांची में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ना तो ये कथन सही, ना तो ये, ना तो ये।
ऐसा यौगिक जो आमाशय की दीवारों द्वारा शीघ्रता से अवशोषित कर लिया जाता है, तो वो हो जाएगा अल्कोहल। किस प्रसिद्ध इतिहासकार को हाल ही में डॉक्टर पदुरु गुरुराज भट्ट मेमोरियल पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? ए बी नरसिम्हा मूर्ति को। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा है? पश्चिम बंगाल। गूगल ने 18 अप्रैल 2017 को अपने किस उत्पाद का नया संस्करण लॉन्च किया? गूगल अर्थ। हाल ही में किस देश ने प्रसिद्ध 457 वीजा कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।